हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे याद करने का। तो हमारा पहला भी कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो चुकी है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से ज़रूर देख लें। और इस वीडियो के एंड पर वहाँ पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, पिछला वीडियो को वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को सबसे अंतिम में चल रहे, वहाँ पर लिंक पड़ा होगा, तो वहाँ से भी डायरेक्ट आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं या वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज भी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, मे बी आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए कोशिश करें जितने भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को याद कर ले। तो उससे पहले वेलकम टू आवर डिजिटल्स क्लास, आप सभी को हमारे डिजिटल्स क्लास में स्वागत करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है, वैसे स्टूडेंट, वैसे कैंडिडेट, वैसे टीचर जो एनआईओएस से कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी कि आपके डिजिटल क्लास ने आप सभी के कोर्स को कंप्लीट करवाने का ठान ली है। और आपके डिजिटल क्लास यह सोचते हैं कि आप सभी एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क लेके पास हो, ताकि आपका भविष्य, यानी कि आपके फैमिली का भविष्य, ये आपका भविष्य नहीं रहा, अब आपके परिवार का भविष्य है, और आपका परिवार का भविष्य अच्छा जाए। क्योंकि यदि जॉब छूट जाए, यानी टीचर्स के नौकरी से अगर आपको हाथ धोना पड़े, तो आपके परिवार पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसीलिए कम से कम अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए ज़रूर पढ़ें, हमारा वीडियो को बार बार देखें। तो हम आपको आज बताने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के साथ होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप इसको ज़रूर याद करें, मे भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो बार बार इसको 4 बार 5 बार रिपीट करें दिन भर में, जब भी आपके पास खाली समय है तब तब। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन सेक्शन में क्या रखा हुआ आपके लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, डिजिटल क्लास वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ आंसर, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है टोटल आपको 10 क्वेश्चन दी जाएगी, 10 क्वेश्चन में से आप कितने शॉर्ट आउट करते हैं यह हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले अपने स्तर से देने का कोशिश कीजिए आंसर, कि आप क्या सोचते हैं, आप कितना दे पाते हैं, फिर लास्ट में हमारे आंसर के साथ ज़रूर मिलाइएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के जनजातियाँ पाए जाते हैं? पहला है 560, दूसरा है 555, तीसरा है 575 और चौथा है 501। तो अपने तरफ से आंसर दीजिएगा, फिर हमारे आंसर के साथ जरूर मिलाइएगा। दूसरा है, मौखिक भाव प्रकाशन के मुख्य साधन क्या क्या है? ऑप्शन ए में है सभी, ऑप्शन बी में है नाटक, ऑप्शन सी में है सत्य संग, और ऑप्शन डी में है समांद पाठ। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, भाषा का सबसे मुख्य कौशल क्या क्या है? पहला है पढ़ना, दूसरा है लिखना, तीसरा है सभी, चौथा है बोलना। भाषा शिक्षण की मॉन्टेसरी पद्धति के आविष्कारक कौन है? मेरिटा मॉन्टेसरी, बल्लभ मॉन्टेसरी, सी में है महात्मा गांधी, और डी में है किलपैट्रिक। पांचवा नंबर में लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सा, हिंदी, अंग्रेजी, अमेरिकन या फ्रेंच। छठा क्वेश्चन में, मातृभाषा मनुष्य के जीवन में क्या लाती है? पहला है शांति, दूसरा है बदलाव, तीसरा है क्रांति, चौथा है कुछ नहीं। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अक्षर बोध विधि को निम्न में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए में है अब नौ वैज्ञानिक विधि, बी में है मनोवैज्ञानिक विधि, सी में है कठिन विधि, और डी में है सरल विधि। आठवां में लिखा है, शिक्षक को हमेशा सुंदरता हस्तलिपि के नमूने विद्यार्थी के सामने पेश करने चाहिए, जिससे वह क्या कर सके, पढ़ सके, लिख सके, समझ सके या नन ऑफ दीज कर सके। नवा क्वेश्चन देखते हैं, नवा में क्या लिखा है,
बच्चों की शिक्षा में गद शिक्षण क्या होती है? ए में बुनियादी जरूरत, बी में हानिकारक, सी में अनिवार्य और अपरिहार्य और डी में है लाभकारी। दसवां क्वेश्चन में लिखा है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं? पहला है भाषा शिक्षण विधि, दूसरा में है लेखन शिक्षण विधि और तीसरा में शून्य शिक्षण विधि और चौथा में नन ऑफ दिस। तो आई होप मेरे ख्याल से आप सभी ने 10 क्वेश्चन का आंसर सही सही ज़्यादा से ज़्यादा आपने दे दिया होगा। अब हमारे आंसर के साथ जरूर मिलाएं और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि 10 में से कितने आपका सही हुआ। तो चलिए अब आंसर को हम लोग मिलाते हैं। जो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। लिखा हुआ भारत में कितने प्रकार के जनजातियाँ पाए जाते हैं? ये आंसर होगा 560। दूसरा क्वेश्चन है, मौखिक भाव प्रकाशन के मुख्य साधन क्या क्या है? आंसर होगा सभी, मतलब नाटक, सत्य संग एवं समांत पाठ। तीसरा क्वेश्चन है, भाषा का सबसे मुख्य कौशल क्या क्या है? आंसर होगा सभी, पढ़ना लिखना और बोलना। चौथा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में लिखा, भाषा शिक्षण की मंटेसरी पद्धति में के आविष्कारक कौन है? इसका होगा मेरिया मंटेसरी। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में लिखा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सा है यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सा है? अंग्रेजी एक ऐसा लैंग्वेज है जो देश के किसी भी कोना पर चले जाइए इंग्लिश आपका चलता ही चलता है। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। मातृभाषा मनुष्य के जीवन में क्या लाती है? इसका आंसर होगा क्रांति। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अक्षर बोध विधि को निम्न में से किसको कहा जाता है? इसका आंसर होगा नौवैज्ञानिक विधि को। आइए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां में क्या लिखा हुआ है, शिक्षक को हमेशा सुंदरता हस्तलिपि के नमूने विद्यार्थी के सामने पेश करना चाहिए जिससे वो लिख सके। यदि आप अच्छा नहीं दीजिएगा, सुंदर से हस्तलिपि नहीं दीजिएगा तो वो लिख नहीं सकेगा। अब क्वेश्चन आता है कि वो पढ़ भी तो नहीं सकेगा, समझ भी तो नहीं सकेगा, क्योंकि जब तक वो लिखेगा नहीं तब तक पढ़ेगा कैसे, पढ़ेगा तो समझेगा कैसे। इसलिए सबसे पहले आपका जो लिटरेचर, मतलब आप जो लिख रहे हैं, क लिख रहे हैं या ख लिख रहे हैं, यह चीज़ वो कैसे लिखेगा यह चीज़ उसको समझ में आना चाहिए। इसलिए सबसे इसमें पहला जो स्टेप होगा लिखने के लिए, क्योंकि अगर आप गंदा लिखिएगा तो नहीं लिख पाएगा, इसीलिए सबसे पहला जो जाएगा लिख सके। इसीलिए इसमें आपको काफ़ी कंफ्यूज करेगा, क्योंकि लगेगा कि समझ में होना चाहिए या लगेगा कि पढ़ सके होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको यह समझना होगा कि यहाँ पर लिख सके, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट होता है लिखना। इसीलिए इसको पहले आप रखिएगा, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको लगे कि ये होना चाहिए या आपको लगे कि यह होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर सही आंसर यह है। आइए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बच्चों की शिक्षा में गद शिक्षण क्या होती है? इसका सही आंसर होगा अनिवार्य और अपरिहार्य। आइए दसवां क्वेश्चन देखते हैं। दसवां क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा भाषा शिक्षण विधि के अंतर्गत। और आज का सवाल रहा, वैदिक काल में शिक्षा का सत्र किस समय शुरू होता है? पहला है चैत पूर्णिमा, दूसरा है श्रावण पूर्णिमा, तीसरा है मुझे नहीं पता है और चौथा है कार्तिक पूर्णिमा। यह भी क्वेश्चन हमारा बताया गया क्वेश्चन है। यदि आप नहीं दे पाते हैं तो आप थोड़ा सा भी इसमें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप अपना कोर्स को लेके चिंतित नहीं है ज़्यादा, आप सिर्फ एडमिशन करा लें, आप इस पर इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपका मे बी एग्जामिनेशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वैदिक काल वाला क्वेश्चन पहले भी हमारा सेक्शन पर बताया गया था। या तो आप उस वीडियो को भूल चुके हैं, या तो उस वीडियो को सिर्फ आप पॉज करके यहाँ वहाँ जहाँ जैसे तैसे करके आप देखें, आप कंटिन्यू 4 बार 5 बार वीडियो को नहीं देखें,
इसीलिए वैदिक काल का क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं आ रहा है, तो हमारा कुछ पिछला वीडियो चले जाइए और वहाँ से जाके छानिए और देखिए कि किस वीडियो में वैदिक काल के बारे में बताया गया था, वहाँ से आंसर ढूंढ के लाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि वैदिक काल में शिक्षा का सत्र किस समय होता था, इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ जो 10 क्वेश्चन हम लोग आंसर दिए, 10 में से कितना आपके ने सही किया यह भी हमें कमेंट करके बताइए कि 10 में से 8 आया, 10 में से 5 आया, 10 में से 0 आया, 10 में से 1 आया, कितना आया यह हमें कमेंट करके बताइए। यह हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको कैसा लगा यह भी कमेंट करके बताइए। इसका आगे का पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए यह भी कमेंट करके बताइए। जितना ज़्यादा लाइक्स, जितना ज़्यादा कमेंट्स, उतना जल्दी जल्दी आपको वीडियो, नो कमेंट नो लाइक्स नो वीडियोज़, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलते एक नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।